नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ मावा ब्रेड रोल। मावा ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। ब्रेड 7 से 8, उबला हुआ ठंडा दूध 1 कप, मावा या खोया 150 ग्राम या आवश्यकता अनुसार, काजू 7 से 8 नग, बादाम 8 से 10 नग, पिस्ता 6 से 7 नग, पिसी चीनी या बूरा 1/2 कप या स्वाद अनुसार, पीला रंग खाने वाला 3 से 4 बूंदे, चिरौंजी 1 चम्मच, नारियल का चूरा 1/2 कप, छोटी इलायची के बीज 1/4 चम्मच, तलने हेतु घी या तेल आवश्यकता अनुसार, चाशनी बनाने के लिए चीनी 1 कप, पानी 1/2 कप। सबसे पहले बादाम, काजू, पिस्ते को बारीक काट लेंगे। आप इनको अलग अलग काट कर भी रख सकते हैं और एक साथ भी। गैस जलाएंगे और पैन में 1/2 चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ मावा डालेंगे और कड़छल से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक मध्यम आंच पर हल्के सुनहरे रंग का होने तक भून लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और कुछ बूंदे पीले रंग की डालकर कड़छल से चलाते हुए मिलाएंगे। आप इसमें पीला रंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक कटोरे में मावे को निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोबारा से गैस जलाएंगे और पैन में काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी डालकर कड़छल से चलाते हुए मध्यम आंच पर 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। आप इसमें मनपसंद सूखे मेवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे और भुने मेवों को मावे में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोबारा से गैस जलाएंगे और पैन में 1/2 कप पानी और चीनी डालकर तेज आंच पर 1 उबाल आने तक पकाएंगे और 1 उबाल आने के बाद चाशनी को 7 से 8 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएंगे। गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को एक कटोरे में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मावा ठंडा हो चुका है, स्वाद अनुसार पिसी हुई चीनी डालेंगे और मिलाएंगे। गरम मावे में पिसी हुई चीनी नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो पानी छूट जाएगा। इलायची के बीज डालेंगे और मिलाएंगे। चाकू की मदद से ब्रेड के ब्राउन वाले हिस्से को काट कर निकाल देंगे। ऐसे ही सभी ब्रेड के ब्राउन वाले हिस्से को काट कर निकाल देंगे। रोल बनाने के लिए कटोरे में दूध डालेंगे और कटे हुए ब्रेड को एक तरफ से दूध में भिगोएंगे और दोनों हथेलियों से दबाते हुए एक्स्ट्रा दूध को निकाल देंगे। अब 1 से 1.5 चम्मच भरावन को भरेंगे और फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही सभी ब्रेड रोल को बना लेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। आप इनको 1 से 2 दिन के लिए बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे तब आप इनका सेवन कर सकते हैं। मावा ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बार फिर से गैस जलाएंगे और कढ़ाई में देसी घी डालकर गरम करेंगे। मावा ब्रेड रोल को डालेंगे और 1 मिनट के लिए मध्यम आंच पर सिकने देंगे। कड़छल की मदद से ब्रेड रोल को पलट देंगे और हल्के सुनहरे रंग का होने तक तल लेंगे। ऐसे ही सभी ब्रेड रोल को तल लेंगे। अब एक प्लेट में टिश्यू पेपर डालकर मावा ब्रेड रोल को निकालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। चाशनी ठंडी हो चुकी है। चाशनी में ब्रेड रोल को डालेंगे और चम्मच की मदद से मावा ब्रेड रोल के ऊपर चाशनी को डालेंगे और 1 मिनट के लिए चाशनी में ही ब्रेड रोल को छोड़ देंगे।
चाशनी से ब्रेड रोल को निकालेंगे, प्लेट में नारियल का चूरा डालेंगे और मावा ब्रेड रोल को नारियल के चूरे में लपेट कर प्लेट में निकालेंगे। ऐसे ही सभी ब्रेड रोल को नारियल के चूरे में लपेट लेंगे। मावा ब्रेड रोल को मनचाहे आकार में काट लेंगे और प्लेट में सजाकर परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।